तेजस्वी प्रकाश के फैंस हैं बहुत ज्यादा अपसेट, उन्हें डर लग रहा है कि तेजस्वी का करियर बिग बॉस के घर में कहीं जैस्मिन भसीन की तरह ना हो जाए। वो चुलबुली जैस्मिन भसीन जो कि बिग बॉस में आई और बिग बॉस में आकर कहीं ना कहीं उनकी भद पिट दी गई। आप लोगों को बताना चाहता हूं तो इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े करे जा रहे हैं, जहां पर फैंस, तेजस्वी फैंस ने सोशल मीडिया में कुछ बातें बोली हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं तो आप फॉलो करें, साथ ही साथ तमाम तरीके के ऑफिशियल हैंडल्स को जो कि फीफा फूज से जुड़े हुए हैं उन्हें भी फॉलो करें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बात करें अगर तो तेजस्वी के फैंस इस वक्त हैशटैग तेजस्वी प्रकाश तो चला रहे हैं, लेकिन उन्हें एक बात का डर है, एक ऐसा डर जिसके लिए ये लोग जो हैं कपकपा रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि तेजस्वी जो कि टास्क अच्छा करती है, बोलती अच्छा है, मुद्दे अच्छा रखती है, लेकिन बहुत ही इजीली कन्वीनियंट तरीके से तेजस्वी को इग्नोर किया जा रहा है। तेजस्वी हाथ खड़े करती है, उससे कुछ बोलने के लिए उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तेजस्वी प्रकाश को इग्नोर किया जाता है, तेजस्वी को साइडलाइन किया जा रहा है, तेजस्वी टास्क परफॉर्म करती है अच्छा तो उसको कोई शाबाशी नहीं मिलती है, ना ही वीकेंड के बाद में उस पर कोई चर्चा होती है, प्लस उल्टा उसका मजाक उड़ाया जाता है कि वो है जिसके मुंह में जीरा है, इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। तो फैंस जो हैं इस वक्त हैशटैग तेजस्वी चला रहे हैं, तेजस्वी प्रकाश, और आप लोगों को बताना चाहता हूं इसी चीज को लेकर अब सोशल मीडिया पे मच गया बवाल, जहां पे जैस्मिन भसीन से कंपेयर किया जा रहा है कि जैस्मिन की तरह ही बदना पीट दें ये लोग तेजस्वी प्रकाश की। और ये बात साफ, क्योंकि एक तो राखी से भी पंगा है और राखी से पंगा की अगर बात करें तो जैस्मिन बिचारी का बिग बॉस का करियर इसीलिए खत्म हो गया था क्योंकि उसने राखी सावंत से पंगा ले लिया था और राखी सावंत ने एक बहुत ही बड़ा इमोशनल कार्ड, वो ड्रामा, वो जो नाक में लगी, मेरे नाक में लगी करा था, उस पर सचमुच में हंगामा मचा दिया था। सो यस, कॉमेंट सेक्शन में जाएं, जरूर बताएं। चलता हूं, ख्याल रखें।